एक कंप्लेनेंट पुलिस ऑफिस में आया और उसने एक शिकायत की कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला ने उसे संपर्क किया था और उसको हनी ट्रैप में फंसा कर एक होटल बुलवाया और वहां पर उसकी आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस बना ली और उसके बाद उसको धमका करके उससे 90,000 रुपये ATM करवाया और फिर कुछ और अमाउंट उससे लगभग 3,500 और उससे पैसे डलवाए। वो भय और शर्मवश उसने ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद जब वहाँ से निकला तो पुनः उसके पास फ़ोन कॉल आने लगे और 60,000 रुपये की और डिमांड उससे होने लगी। जब उसने ये देखा कि ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा और इस तरह वो इनके चंगुल में फंस के उसको आर्थिक नुकसान होता रहेगा, तो उसने हिम्मत करके अपनी बात जो जन सुनवाई में बताई। इस पर तत्काल टीमों को गठित करके रवाना किया गया और इसमें कुल 4 पुरुष और 2 महिलाएं ये पूरे गैंग के दबोचे गए हैं, जिसमें 3 पुरुष अजीत, राजेश और विष्णु, ये तीनों थाना बलदेव क्षेत्र के रहने वाले हैं, और एक ऋतिक इसमें आगरा का रहने वाला है। 2 महिलाएं जो इस गैंग में जो लड़कों को फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से अपने ट्रैप में फंसाती थी, वो दोनों ओरिजिनली असम की रहने वाली हैं। और इधर फर्जी आधार कार्ड बना के अपना रिलीजन दूसरा दिखाकर यहाँ पर रह रही थी और इन चारों अभियुक्तों के संपर्क से वो लोगों को फंसा कर बुलाना, उनकी आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बनाकर उनको ब्लैकमेल करके और धमका कर उनसे पैसे लेने का काम कर रहे थे। इस तरह से इस कंप्लेनेंट के साहस और इसने जो सूचना दी उसके आधार पर गिरोह पूरा पकड़ा गया और इनका भंडा फूटा है। पूरे 93,500 रुपये जो थे वो पूरे रिकवर कर लिए गए हैं, साथ ही साथ एक 4-पहिया वाहन, 2-पहिया वाहन और अन्य मोबाइल फोन इत्यादि जो है इनसे बरामद कर लिया गया, इनको गिरफ्तार कर लिया, जेल भेजा जा रहा है। निश्चित तौर पर आगे ये गैंग कईयों को अपना निशाना बनाता, इसको पुलिस की प्रोएक्टिव कार्रवाई से इसको घटनाओं को बचाया गया।